Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. आज के दौर में महिलाएं जो हैं हर फील्ड में पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और ये बहुत ही फख्र की बात है। इनफैक्ट कुछ महिलाएं तो इतनी आगे निकल गई हैं कि वो दूसरे पुरुषों की कुर्सियां हथियाने शुरू हो गई हैं। वेरी गुड। पर जोक्स अपार्ट, हमें बड़ा गर्व होता है जब हम अपने देश की बेटियों को देश का नाम ऊंचा करते हुए देखते हैं। आज यहां भी कुछ ऐसी ही प्रतिभाशाली लड़कियां आ रही हैं जिन्हें हम अपने देश का गौरव मानते हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन मिथाली राज, पेस गेंदबाजी की बागडोर संभालने वाली झूलन गोस्वामी और जबरदस्त ऑलराउंडर वेदा कृष्णमूर्ति। जोरदार तालियां। आप तीनों बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही क्यूट लग रही हैं और आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? शादी के बाद कैसे हो आप? हैं? बेटा जब आपकी होगी ना आपको भी पता चल जाए, आपको नहीं उसको पता चलेगा जिसके साथ हो। आइए आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आप तीनों कहना चाहूंगा कि वी आर सो 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वैसे तो आपको पता ही है जो क्रिकेट प्रेमी है जो सब क्रिकेट देखते हैं कि मिथाली जो है दुनिया की सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली महिला है। 6000 से ज्यादा इन्होंने रन बनाए हैं। 6000 रन, वाओ। और ये इतने खींच खींच के शॉट मारती हैं, बॉलर की इतनी धुनाई करती हैं, आपके अंदर किस बात का गुस्सा है? गुस्सा तो यही है कि मेरे डैड ने बचपन में मुझे सोने नहीं दिया। अच्छा। हाँ, तो उसका गुस्सा मैं ग्राउंड पे निकालती हूँ। पर आप ये भी तो देखो, आपके पापा ने जो सपने देखे थे आपको लेकर वो सच भी हुए हैं और मेरे ख्याल से उन्होंने, हो सकता उस समय इतना भी ना सोचा हो कि मिथाली जो है इंडिया क्रिकेट टीम की कैप्टन बनेगी और हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली लड़की बनेगी। पर ये सो प्राउड ऑफ यू, मैं यही कहता हूँ। थैंक यू। और मैं आपको ये एक और बात बताना चाहता हूँ झूलन के बारे में कि इन्हें 2010 में अर्जुना अवार्ड और 2012 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, पिछली बार ना जब झूलन हमारे शो पे आई थी उसके बाद भारत सरकार ने इनके ऑनर में इनकी फोटो वाला पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, ऐसे बच्चे का सवाल था, बोलते ये जो डाक टिकट जब बिकती है आपको कमीशन मिलता है? आज तक तो नहीं आए। नेक्स्ट सवाल मेरा है कि जैसे अभी डाक वाक तो बहुत कम हो गई आजकल, कुरियर वुरियर होते हैं वैसे, पर आपके फोटो की टिकट जब बनी तो आपने शो ऑफ के लिए अपने रिश्तेदारों को ऐसी चिट्ठियां लिखी कि देखो है? ऐसे कभी नहीं हुआ? आई विश मैं कर सकती थी एक काम, बट अनफॉर्चुनेटली 21st सेंचुरी में सब बंद हो चुका है एक्चुअली। सो वो सारे लॉकर पे ही है, आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। अच्छा, ऐसे कई लड़कों का कहना है, ऐसे बोल रहे थे मुझे, बोलते जो स्पोर्ट्स वाली लड़कियां होती है वो बड़ी गुस्से वाली होती हैं, ये सच बात है? ये बहुत गुस्सा करती है ग्राउंड पे। झूलन आपको गुस्सा आता है? ग्राउंड पे तो आना चाहिए क्योंकि जो लड़के इनको लाइक करते प्रपोज करना चाहते ग्राउंड के बाहर कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं मेरे को दे देते हैं जो ऑडियंस में आते हैं ना लोग, जैसे ये भाई साहब बोल रहे थे हरी शर्ट वाले, नहीं तोता बन के बैठे हुए हैं, मेरे को बोलते हैं कि जब ये जो मेल क्रिकेटर होते हैं जैसे विराट हो गया, धोनी हो गया, भज्जी हो गया, यूवी पाजी हो गए, ये लोग जब ऐसे फिल्मी एक्ट्रेस से शादी करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता कि अपने एरिया से बाहर निकल के दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं? अरे इनका सवाल था मेरा। पर ऐसे शादी वादी का नहीं अभी सोचना, आप लोग उम्र में बहुत छोटी हैं अभी, अभी आप खेल पे फोकस करें हमारे देश के लिए और सारे प्राइजेस जीत के लाए। धन्यवाद। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मैं झूलन के बारे में आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, हालांकि आपको पता ही, इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, am I right? बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने अपना वनडे डेब्यू भी इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, फिर 2006 में T20 डेब्यू भी इंग्लैंड के अगेंस्ट ही किया,
इंग्लैंड के खिलाफ आपने इतनी पारियां खेलनी, आप क्रिकेटर बनने आए थे दुनिया में, अंग्रेजों से बदला लेने आए? देखो बचपन में आपने भी हिस्ट्री के बुक्स पढ़ लिए होंगे। हाँ जी। तो उसके बाद वो खुन्नक से आ गए थे, जो इंग्लैंड के साथ ही सब कुछ करना है। बिल्कुल अच्छी बात। कैप्टन भी ऐसे थे जो चल तू जा इंग्लैंड के साथ मैच है, जा बॉल डाल के। अच्छा। बॉल डाल ली, हो गया। राइट बेटा, आपको ड्रेसिंग रूम का डॉन क्यों कहा जाता है? मैंने खुद को नाम दिया था कि मैं डॉन हूं। क्या आप वहां पे कुर्सी लगा के दूसरी लड़कियों के हाथों से अंगूर खाती हैं आप? नहीं, ऐसे ही घूमती रहती हूँ, छेड़ती रहती हूँ लोगों को, तो खुद को डॉन बोल के घूमती रहती हूँ। कोई मानता नहीं है बट ठीक है। अच्छा, मैच जब होता है तो आप स्कोर्स बनाते हैं या विकेट लेते हैं, दर्शक बड़ी सीटियां बजाते हैं ना, तो जब कभी आप बाउंड्री के पास खड़े रहते हैं, आपको कैसे आइडिया रहता है कि ये चौके छक्के पे सीटियां बज रही हैं, हमें देख के मारे हैं निठल्ले कहीं के? ऐसा भी तो होता होगा। वो अलग अलग तरीके के सीटियां होते हैं ना, छेड़ने वाली सीटियां अलग होता है। कैसे कैसे? आपको पता होगा। नोटी कर ले हमारी टीम की। आई लाइक दैट। एक बार करके तो दिखाओ। क्या डेमो? मेरी सिटी बच चुकी है, आपको पता ही है। मेरी अब निकलती नहीं है सिटी, मेरी लीक हो जाती है। मैंने पहले भी कभी ऐसे बजाई नहीं, ऐसे कभी। इफ टीजिंग आई हेट एंड आई हेट दोज बॉयज, सीरियसली बेटा, कसम से। आप इतना टीज करते हो जब दीपिका आती है। ये लड़की तैयारी करके आई है मेरी वाट लगा रही है। नहीं, वो पुरानी बातें हैं, उसकी भी शादी हो गई, हमारी भी हो गई। अभी क्या जिंदगी में ले दे के कुछ बचा नहीं था। हाँ भी क्रिस गेल के अंडे। इतना हाफ क्यों रही है तू? कितनी बार कहा लोगों की चीजें उठा के मत भागा कर। Excuse me? अरे लोगों की चीजें उठा के नहीं भागी हूँ, वो तो मैं तो देश के लिए भाग रही हूँ। अच्छा। हेलो, हाय वेदा, हाउ आर यू? हाय जुलन, हाय। वैसे मैं हूँ भूरी, राइट आर्म फास्ट बॉलर और राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन। ओह माय गॉड। ओह, डकवर्थ लुईस की छोटी बहन। ये हुलिया क्या बना के रखा है ये? व्हाट इज दिस रबिश? इट इज नॉट रबिश, ये क्रिकेटर की पहचान है। मुंह पे चूना लगाने से कोई क्रिकेटर नहीं बनता। अभी देखना, इसने मुंह पे चूना लगाया ना, थोड़ी देर बाद तो कत्था लगाएगी, फिर लगाएगी किमाम। मेन काम इसका पान लगाने का है बेसिकली। ये तो ऐसे ही आ गई है। टप्पू, ये सनस्क्रीन है। जैसे तेरा मुंह स्क्रीन गार्ड लगाया कर। तुम्हें जितना स्क्रीन गार्ड लगवाना है लगवा लो, तुम्हें तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन सिक्योरिटी गार्ड मेरे आगे मेरे पीछे होंगे। हाँ हाँ, हाथ में हथकड़ी होगी, मुंह पे काला कपड़ा। और खबर छपेगी, मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। क्रिकेटर ऐसे नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। उन लड़कियों ने पता कितनी मेहनत की है? हाँ तो मैंने भी की है, मैं एमी थोड़ी ना बन गई हूँ क्रिकेटर। अरे ऐसे ऐसे शॉट्स मारती हूँ कपूर, तुम क्या शॉट मार के दिखा, शॉट मार के दिखा। ओह लवली, वाह वाह वाह, शॉट मार रही, चिल्लम मारना छोड़ दिया तू। अभी शॉट मार रही ना, थोड़ी देर बाद ये ना सेब मारेगी, फिर अंगूर मारेगी, जेब मारेगी। ये मारने में तो इनके खानदान का जवाब ही नहीं है, और धीरे धीरे करके आपके पर्स भी मार सकती है ये बल्ला भी पक्का किसी का मारा होगा इसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरा हेलीकॉप्टर शॉट देख के वो धोनी सर बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है बैट। काम तेरा बछड़ों का डायपर धोने का। बातें एमएस धोनी की कर रही, क्यों झूठ बोलती बुरी इतना? देखो डायपर धोने का जॉब हाफ टाइम है, फुल टाइम मैं क्रिकेटर हूँ, ओके? वैसे मिताली, आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी रेलवे की तरफ से खेला है। हाँ, बिल्कुल। पहले बात मैं ये बता दूं, पटरी पे बैठ के ताश खेलना उसको ये नहीं कहते कि रेलवे की तरफ से खेल रहे हो। झूठ बोल रही है कुछ भी कहता रहता है। मुझे ये क्रिकेट मेरे दादाजी ने सिखाई है, पता है कितने बड़े बैट्समैन थे वो,
अरे वो जो डाइव मार के फिर वो कैच भी करते थे ना, वो वाज अ बिग क्रिकेटर। पूरा बता कहाँ पे करते थे कैच? रेलगाड़ी में निकलती, लोग पानी पी के बॉटल नहीं फेंकते ऐसे करके कैच। वो उसमें दोबारा पानी भर के ना 5-5 रुपए की बेचते मिनरल वाटर। देखो तुम जानती नहीं मेरे दादाजी को, वो फील्ड पे उतरते ही धो डालते थे, बड़ी पाइप लेके जाते थे, कहते पीछे हट जाओ। हाँ क्रिकेट में ही धोते थे, मैं बोल रहा हूँ बॉल जब नाली में चली जाती धो के वही लाते। अरे बैट से बॉलर को धोते थे। ओ, अच्छा। अरे कदमों का इस्तेमाल करना मैंने उन्हीं से सीखा है। हाँ आपको पता है पूरा कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करती है, कदमों का इस्तेमाल करते करते पैदल दिल्ली निकल जाती है। फिर कदमों का इस्तेमाल करते करते किसी की शादी में घुस जाती है। उस दिन तो पकड़ लिया इसको दूल्हे के बाप ने। हाँ कढ़ाई पनीर खा रही थी, अच्छा पनीर खाने के बाद कढ़ाई ढूंढ रही थी, कढ़ाई कहाँ है? इतना सैड जोक था ना तुम्हारा, अब तुम बोलोगे कि मैं तवा पुलाव में तवा भी ढूंढ रही थी। हाँ तो केटरिंग वाला ढूंढ रहा था, कहता पुलाव खागी तवा तो वापस कर। देखो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ना, मैंने ऑल इंडिया अंडर 17 के कैंप में भी जा चुकी हूँ। वो नशा मुक्ति कैंप था। देखो जिसे स्पोर्ट्स का नशा हो उसे किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स का नशा तो है इसको, ये जो बैट है ना बैट, इसकी जो ग्रिप है ना रबड़ की, उसको जला के सूंघती है। इस आदमी के पास ना हर बात का एक फालतू जवाब होता है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। ओके ओके मिराली, मैं क्या बोलूं कि वर्ल्ड कप हम लेकर आएंगे, तो अगर आप चाहो तो मैं आपकी बेस्ट फिनिशर बन सकती हूं। हां हां ले लो ले लो, बहुत अच्छा फिनिश करती है, किसी की जूठी दाल पड़ी हो ना ऐसा चाट के फिनिश करेगी ना ये। वो ऐड नहीं आता वो जो ऐसे बर्तन धोने वाला, उसमें दिखाते ना 99.9% कीटाणु, उसमें एक दो रह जाते ना, ये वो भी साफ कर देती है। बकवास बोलने का अवार्ड शो हो ना तो इन्हें वो पहला अवार्ड मिलेगा। थैंक यू। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप चाहो तो क्रिकेट फील्डिंग का सेटअप मैं कर सकती हूँ। फील्डिंग तो ऐसी लगाती है ना ये कि एटीएम से पैसे निकलवा के कोई भाग नहीं सकता। इसमें 13-14 लड़कों का ग्रुप है इसके साथ, ये 10 साल से छोटे और 70 साल से ऊपर वाले लोगों को लूटती है, क्योंकि बीच वाले पीट जाते हैं तो इनका एक पूरा गिरोह है इनका। देखो तुम डिविएट मत हो टॉपिक से, मैं कह रही हूँ अगर आप मुझे अपनी टीम में ले लें तो वुमन ऑफ द मैच का जो पैसा मुझे मिलेगा वो मैं गरीबों में बांट दूंगी। गरीबों मतलब इसकी फैमिली। मैं तो आपकी इसकी हरकतें नहीं मैं बताता, ये ऐसे ही सुंदर सुंदर बन के आई थी, पता क्या हरकतें करती, शरीर के साथ चुंबक बांध के ना वो दरिया में कूद जाती, सिक्के निकाल के लाती है। एक बार तो इतने चिल्लर इकट्ठे हो गए, खुद 37 किलो की 50 किलो चिल्लर डूबने लगी थी ये। तुम बड़ा फॉलो करते हो मुझे। हाँ तो करते हैं। और तुम जो बोल रहे हो ये मेडल्स क्या मुझे लूडो में मिली है फिर? हाँ बेटा निकाल के देखो, मेडल पकड़ के देखो जरा, पकड़ के ये इतनी झूठी ना भी पता चल जाएगा, दबा के देखो ये चॉकलेट है ये। अभी 2 मिनट और खड़ी रहती मेडल पिघल जाता है इसका। ये वाकई चॉकलेट है। किस किस बच्चे के मार के आए हो? कपू शर्मा तुम ना अब मेरा बल्ला बोलेगा, तुम बेड़ा गढ़ करना कोई तुमसे सीखे, मैं ना तुमसे बाद में निपटूंगी। टिल देन ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। थैंक यू। मिथाली, झूलन और वेदा से बातें करने बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन अब मैं एक ऐसे शख्स को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ जो सिर्फ इनके बारे में नहीं इंडिया के सारे क्रिकेटर्स के बारे में खासी जानकारी रखते हैं। ये है इंडिया के भूतपूर्व टेस्ट क्रिकेटर और वर्तमान में गजब के कमेंटेटर, द वेरी हैंडसम एंड स्टाइलिश मिस्टर आकाश चोपड़ा। आकाश आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश, नॉर्मली जब आप मैचेस के लिए कमेंट्री करते हैं कभी आप मुलाकात होती है आपकी प्लेयर से? हो जाती है मुलाकात, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड भी, तो ये इनके साथ तो खैर मैंने प्रैक्टिस भी की हुई है। ये हमारे नेट पे आती थी, बॉलिंग करती थी। अरे वाह। दिल्ली में सोनेट क्लब में जाते थे हम एक ही क्लब में आते थे, तो ये लड़कों के साथ खेलती थी। अच्छा। और लड़कों को आउट करती थी। वाओ। ये इनकी क्लास थी है। तो
जुनून वॉज ब्रिलियंट ऑफ कोर्स. वेदा को मैंने देखा बहुत है क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ. मेरी बेटी एक्चुअली जिस दिन वो मिथाली रन बना देती है तो कहती है मिथाली बनना है. अच्छा. किस दिन हरमनप्रीत कौर छक्के मारती है तो कहती है हरमनप्रीत कौर बनना है. अच्छा. तो वो रोज उसकी प्रैक्टिस चलती रहती है. तो मिथाली के साथ खेलते हुए देखा, फील्ड पे मिला, बट खेलते कमाल हैं. इनका पूरा राज है क्रिकेट के ऊपर. नाम में ही है ना राज वैसे. यहाँ देखो बीवी भी बैठी है, बेटी भी बैठी है. तो अच्छा, अच्छा. इन पे फोकस करो जरा. कल को कोई पता नहीं ये भी बहुत बड़ी क्रिकेटर बने. हम पहले कह देंगे हमारे शो में आ चुकी है. आकाश, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, आपको क्या, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? मुझे लगता है इंडिया अच्छा करेगी और करना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये टीम है बड़ी कमाल की. आई रियली वांट टू सी कि विराट कोहली ना वो ट्रॉफी उठाए लॉर्ड्स की बालकनी पे, क्योंकि 83 में कपिल बाजी ने उठाई थी ऐसे करके जी, और जब आपके यहाँ भी सारे आए हुए थे. तो मेरे जैसे कुछ नहीं तो 15-20 लाख बच्चों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी. बिल्कुल. और जब ये लोग फाइनल पहुंचे तो बहुत सारी लड़कियों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की जी. ये एक ऐसा इवेंट होता है जिससे ना दुनिया बदल जाती है एक्चुअली. बट दिस टीम आई थिंक इज प्राइम टू विन द ट्रॉफी वन मोर टाइम. चलिए हमारी शुभकामनाएं. अच्छा मिथाली, हमने सुना है, पता नहीं, हमें मैं कंफर्म करना चाहता हूँ आपके, कि बचपन में आप बहुत आलसी थी इसलिए पापा ने आपको कहा जाओ क्रिकेट खेलो जाके. बात सही है? ये बात तो सही है. अच्छा. इसीलिए मैंने कहा था कि नींद के वजह से मैं क्रिकेट में आ गई हूँ. सोना आपको बहुत अच्छा लगता है? लगता. अभी भी सोना बहुत अच्छा लगता है. अच्छा. वो चेंज नहीं हुई है. कौन सा सोना पूछ लो अच्छा लगता है, शायद चेंज होगी वो चॉइस. दोनों दोनों सोने. अच्छा, वेदा का कहना है कि इन्होंने ना मिथाली से इंस्पायर होकर क्रिकेट खेलना शुरू किया. नहीं, एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया एकेडमी तब मैंने एक्चुअली किसी को देखा नहीं था, मुझे अच्छा. पता भी नहीं था कि वुमेन्स क्रिकेट होती है. अच्छा. तो उस टाइम पे ये लोग वर्ल्ड कप से रनर्स अप होके आए थे 2005 में. तो जिस एकेडमी में जाती थी उधर एक फंक्शन में इनका फेलिसिटेशन था. अच्छा. तो इनके साथ नुशीन और करुणा का भी फेलिसिटेशन था उस टाइम पे. एक्चुअली पहली बार मैंने देखा था उस टाइम. मैंने दो और लोग थे जिनको गार्लैंड डालना था. मैंने एक्चुअली आधा घंटा मैंने इतनी लड़ाई करी क्योंकि मैं डालूंगी तो सिर्फ मिताली को डालूंगी वरना मैं किसी को नहीं डालूंगी. तो इस तरह से वो स्टार्ट हुआ जब उनको देखा. एंड उसके 2 साल बाद शायद हम कर्नाटका वर्सेस इंडियन रेलवेज खेल रहे थे, पहली बार देख रहे थे मैं उनको खेलते हुए और उन्होंने बहुत मारा, 200 रन मारे थे. मैं सारे दिन बॉल उठाती रही तो अब पता चला कि क्यों उनको ऐसे बोलते थे कि जब लाइव मैंने देखा बहुत पिटे थे यार उस दिन. अभी भी चुभता है वो. अच्छा, ये एग्रेशन सिर्फ क्रिकेट में ही है कि शादी के बाद जो आएगा उसको भी दोगे? उसके ऊपर भी ऐसा एग्रेशन रहेगा? वो सोचूंगी ना, उस वक्त देखूंगी, सिचुएशन रीड करूंगी. आकाश जो है, इन्होंने वीरेंद्र सहवाग के साथ ना बहुत बार इंडिया के लिए बैटिंग जो ओपन की है, लेकिन आकाश आपने पूरे करियर में, टेस्ट करियर में एक भी छक्का नहीं मारा. अच्छा, कभी कभी हम लोग कभी बोलते हैं ना कि अच्छा इन्होंने ये किया तो तालियां बजती. मुझे समझ में नहीं आया कि ये लाइन मैंने बोली, अब इस पे क्या आना चाहिए. नहीं, मेरा सिर्फ नाम आकाश है, मैं पृथ्वी से बिल्कुल जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी. तो घर वालों ने नाम रख दिया आकाश, इसका मतलब ये थोड़ा आकाश में गेंद मारते रहो. तो अपने आप में वैसे भी क्या मारने की जरूरत, बट देन आई कुडंट हिट अ सिक्स, ये सच है. अच्छा मिथाली, हमने आपको कई कहते हुए सुना कि वर्ल्ड कप से पहले जो है इनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी, और जो थी वो भी सोशल मीडिया पे लड़कियां ज्यादा फॉलो करती थी, लेकिन वर्ल्ड कप जब पहुंची, सबसे पहले इस बात के लिए तालियां, ये फाइनल्स में पहुंचे आप. फाइनल आपने नहीं जीता, तो आपको फाइनल हारने का ज्यादा दुख था कि इस बात की ज्यादा खुशी थी कि लड़के जो मेरे फैन फॉलोइंग ज्यादा हो गई अभी? है आपको वर्ल्ड कप के दौरान एक्चुअली एक ऐसा बात हुआ था कि मेरी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था. अच्छा. तो उस वक्त मैंने, वेदा जिम में थी, तो मैंने कहा यार इतना टाइम किसके पास है कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक करे. तो उसने सिर्फ इतना बोला कि वेलकम टू सेलिब्रिटी हुड. आकाश, जब आप मेंस क्रिकेट के लिए कमेंट्री करते हैं, ऑब्वियसली गेम के बारे में ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जब आप विमेंस क्रिकेट के लिए कमेंट्री करते हैं तब भी गेम के बारे में ज्यादा बोलते हैं कि सॉरी मैडम, कि ये भी ध्यान रखते हैं कि यार मिथाली ने काश बाल छोटे करवा ले तो और क्यूट लगेगी, ऐसा? देखो अगर तो कोई स्टैट है ऐसा जिसके अंदर भाई झूलन के जब बाल छोटे थे तो 3 विकेट ज्यादा निकली थी,
तो बीच में उसने थोड़ा बढ़ाया था बाल, विकेट नहीं मिले, तो वैसा कोई स्टैट है तो 100% भाई बात दिमाग में रहेगी कि ईशांत शर्मा ने भी किया ऐसा, ऐसी बात नहीं है, जब उनके बाल लंबे थे तो उन्हें लगा कि बाल लंबे रखने चाहिए क्योंकि तब विकेट्स मिलती हैं, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं बालों से नहीं यार बॉलिंग से मिलेगी, तो उन्होंने बाल थोड़े छोटे कटवाए। वैसे आकाश एक कमेंटेटर थे जो हमेशा जो स्पेक्टेटर्स थे उनके इयररिंग्स के बारे में कमेंट करते थे, ये एक थे वैसे आप यू आर राइट, वैसे टोनी ग्रेक कुड बी दैट गाय क्योंकि उनका वो थिएटर क्रिएट करते थे, तो सचिन तेंदुलकर खेलना और टोनी ग्रेक की आवाज, वो दैट वाज अ डेडली कॉम्बिनेशन, मतलब वो ऐसा कॉम्बो था कि मजा आता था सुनने में। अच्छा एक और कमेंटेटर हैं, उनकी कमेंट्री मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, कभी कभी कोई प्लेयर बहुत ऊपर बॉल उछाल देता ना, बोलता ये जाके एयर होस्टेस की पप्पी लेकर आएगा। पर उनके साथ भी बहुत गलत हुआ। मैंने छक्का मारा इस बार तो। अच्छा जैसे टेनिस और बैडमिंटन में मिक्स डबल्स होते हैं, लड़के लड़कियां साथ में भी खेलते हैं, आकाश कभी आपने आईसीसी से अपील नहीं की कि लड़के लड़कियों का क्रिकेट भी होना चाहिए, थोड़ा मजा तो आए खेलने का, आई मीन होना चाहिए कि नहीं? वैसे एक मैच होने वाला है। अच्छा जी। हाँ जी, जहाँ पे इकट्ठे खेलेंगे। अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा अनफेयर है कि जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ में देर इज अ डिफरेंस, तो जो स्पोर्ट है जिस तरीके से उसको उस तरह से एंजॉय कर लें, दैट्स मोर देन इनफ, सिर्फ उतना ही रिकॉग्नाइज कर लें, अगर उतना करने लग जाएंगे दैट्स एक्सीलेंट, क्योंकि यहाँ तीन बैठे हैं, हमारे पास दो तीन लड़कियां और बहुत कमाल की हैं, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो, चाहे वो स्मृति मानधना हो, स्मृति मानधना इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल, जमैमा छोटी सी बच्ची है वो क्या खेलती है, अगर वो आप देख लें तो आप कहेंगे यार ये तो मतलब हमारे लड़कों से भी अच्छा खेलती हैं, कहीं तो इतना अच्छा खेलती हैं, तो हम उतना एक्नॉलेज कर लें दैट्स गुड इनफ, तो बाकी तो ये वर्ल्ड बीटर्स हैं ही हैं। अच्छा एक और बात हमने नोटिस की है, लड़कियों का जब मैच होता है तो अंपायर लड़के ही रहते हैं उसमें, ऐसे क्यों लड़कियां आपसी झगड़े सुलझा नहीं सकती, क्यों इसमें क्यों अंपायर लड़कियां क्यों नहीं होती? काफी सारे विमेंस अंपायर्स भी आए हैं। अच्छा आ गया। लाइक फ्रॉम पास्ट टू इयर्स उन्होंने वर्ल्ड कप में भी मैचेस किया था, तो अभी हो रही है लाइक बढ़ रही है, इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, तो अंपायर भी बन रहे साथ में। अरे मुझे अपनी नॉलेज के लिए एक सवाल पूछना, कभी कभी होता है ना कि जुलन स्पेशली फॉर यू, अगर आप इतनी फास्ट बॉल करते हैं और बिल्कुल हल्का सा लग के निकल गई है या LBW कुछ भी हुआ, वो जो अंपायर रहता है वो अंपायर ऐसी बारीकी से कैसे पकड़ लेता है? वही कॉन्सेंट्रेशन है, उसके ऊपर ही वो फोकस करते हैं, एंड लेकिन अंपायर इसलिए अच्छा होना चाहिए एक्चुअली, ये हम सब बड़े दूध के जले हुए हैं, इसमें क्या है कि ना हम गलती करते हैं ना तो हम भुगतते हैं, आपने गलती की आउट हुए चलो बाहर गए, खराब बॉल डाली चौका पड़ गया, अब अंपायर गलती करता है भुगतते आप हैं, वो नहीं भुगतते कभी right. वो बाद में भुगतते हैं, मतलब जाता खाली हाथ खड़े हैं सॉरी यार कुछ नहीं किया उनका, हाँ सॉरी यार गलती हो गई, तो वो सॉरी यार गलती तो मतलब इवेंचुअली हील बी पनिश्ड, लेकिन जो उस समय रहता है तो वो इस वजह से हम आजकल ग्राउंड पे थोड़ा सा गहमा गहमी भी दिखती है कि प्लेयर्स खुश नहीं होते, यार बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था कहाँ गलती कर दी आपने, इसलिए थर्ड अंपायर फोर्थ अंपायर आ गया, पता नहीं फिफ्थ सिक्स भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ किसी अंपायर ने कन्फेस किया हो कि मैंने गलत आउट दिया था, ऐसे कभी हुआ है? बहुत बार कर देते हैं बाद में कर लेते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वो, मतलब डेविड शेपर्ड ने तो मेरे साथ दो बार किया एक्चुअली। अच्छा। तो मैंने कहा यार जब उसने पहली बार किया गलती हो गई इट्स ओके, फिर उसने दूसरी बार किया ऑस्ट्रेलिया में थे, पहले उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया, उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया में किया, मैंने कहा सर अब आप ना गलती प्लीज मानो मत, अब गलती करो मत, आई मीन मानने से क्या फायदा है यार, करो मत। कभी ऐसा हुआ किसी खिलाड़ी ने गुस्से में जो बेचारा कसूरवार भी ना हो आउट भी ना हुआ और उसने आउट दे दिया और ऐसे कूनी मार के गया हो? नहीं ऐसे ही मैं मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीवेज मेरे फालतू सवाल है, पर मैं आपके यहाँ पे जो फैंस हैं क्रिकेट के फैंस हैं वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं अपने चहेते स्टार से आप लोग पूछ सकते हैं। जी हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं मुंबई से आया हूँ। अनिरुद्ध बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध आपका। धन्यवाद। मेरा सवाल मिथाली मैम से है। मैम हमने आपको हमेशा क्रिकेट के अटायर में देखा है, वैसे तो आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपको एक बार साड़ी में देखने की। वाओ, ओ मितु आपकी इच्छा क्यों है अभी?
पहले पूछा शादी होता है क्या? आप आपकी शादी हो गई है? जी मेरी शादी अभी एक महीना पहले हुई है। गुरुजी घर नहीं जाओगे? हार्ड लक। तो बेगानी लड़कियों को साड़ी में देखने हो इच्छा जता रहे हो आप, वो साथ आई है आपकी वाइफ? जी साथ में ही है। अपनी वाली को क्यों नहीं पहनाते? जी मेरी वही बात थी कि देखिए भारतीय महिलाएं हमेशा साड़ी में काफी अच्छी लगती है। जी साड़ी वैसे एक्चुअली खूबसूरत। मैंने भी कहता हूँ कि साड़ी पहने, लेकिन ये कहते कि नहीं। अच्छा। ये कभी आपकी मानेंगी भी नहीं। ऑल दी बेस्ट। एक ही महीना हुआ ना? एक ही महीना। चार महीने। ऑल दी बेस्ट। यार आज वो आई हैं, हमें उनको एंटरटेन करना है, वो हमारे देश के लिए खेलती हैं, हमारा गौरव है वो, तो आज हमारा फर्ज बनता है कि उनको एंटरटेन करें। एक काम करो, कितना मजा आएगा देखो, आप साड़ी पहनो। लेके आओ साड़ी। जूलन आप बॉल करो इनको, फिर देखना साड़ी खोल के इधर ही बॉल। साड़ी पहन के बंदा आउट ही नहीं हो सकता एक्चुअली, है ना? जहां पे लगे कि आउट हो रहे हो, इनको देखा था कभी? हाँ करती आप शादी के लिए? बोलती कर देती मैं। हाउ स्वीट। अभी आपको बता, आप खेल सकते हो क्रिकेट इसमें? मैं जाके बैठ ही जाता हूँ। पर नहीं सीरियसली, एक बॉल तो खेलो जूलन, एक ट्राई करते हैं। आ जाओ। हाँ इतने प्लेयर आपने आउट किए हैं, आ जाओ अभी देखते हैं। ये लो। अच्छा बॉल भी आते हो, बॉल हल्की है, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ फास्ट बॉल तो इससे कभी हो ही नहीं सकती। ये क्या दिया? आइए आप साड़ी पहन के इंजॉय। आपको आता है क्रिकेट खेलना? लग तो नहीं रहा। ये वाली बॉल के साथ तो खेल लेंगे। देखा? उफ ये पल्लू भी ना। चलिए अनिरुद्ध, साड़ी के बावजूद बॉल आपकी सीधी विकेट पे लगी। तोता कलर की साड़ी पहन के प्लेयर जो हैं बहुत ही खराब खेले। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध आपका। थैंक यू अनिरुद्ध। ये रहने दो इधर ही, तो अच्छा लगता है। इसको निकाल दो यार कोई प्लीज। थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। मेरा नाम सागर राय है, मैं झांसी से आया हूँ। अच्छा जी, क्या करके आए थे आपको? सबसे पहले इतने गौरव की बात लग रही है कि मैंने आज साक्षात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तीन रूप में देख लिए हैं। अभी तक किसी ने नहीं देखी, आज सबने देख लिए हैं। भारत देश के लिए उन्होंने भी बहुत कुछ किया और आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन बेदा मैम से है। जी मैम, आजकल जो न्यूजें चल रही हैं कि सेल्फ डिपेंड को लेके, महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके रोज खबर पढ़ने मिलती है, तो आपके बारे में भी मैंने काफ़ी पढ़ा है कि आप सेल्फ डिपेंड बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इस मन से आप भारत में नहीं विदेश तक में एक मैसेज दे दें कि सेल्फ डिपेंड लड़कियाँ किस तरह से कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ दो मिनट का सीन, मैं कुछ कमेंट करूँगा आपको वहाँ, तो आप उन्हें बता सकते हैं इस तरह से आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर सकते हैं। उससे पहले सेल्फ डिफेंस इज एन आर्ट, वो हर किसी को सीखना चाहिए। जी बट अगर हमारे देश में इफ द मेन आर अंडर कंट्रोल, आई थिंक वो यूज करने की इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू यूज इट। ये ना हमारी फिल्मों ने भी बड़ा काम खराब किया है। आप इंग्लिश फिल्में देख लो, आप जो वहां की हीरोइन होती हैं वो पिस्तौल निकालेंगी और सामने वाले हीरो को बोलेगी लीव मी, आई विल किल यू। हमारी हीरोइन के हाथ में पिस्तौल भी होगी ना, नहीं तो बोतल तोड़ लेंगी। मैं उसके भी मार सकती है, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं मार लूंगी अपने आप को। उसके मार दू है ना, अपने आप को मार रही हूँ, बोतल तोड़ी उसके सर पे मार। आइए भाई साहब, क्या नाम बताया आपने अपना? सागर राय। आ जाओ आप। हाँ तो आप करेंगे आप मुक्के खाएंगे उनको? सागर आपने ये बात रखी है कि आप सिखाना चाहते हैं लड़कियों को, अगर आपको एक मुक्का वक्का मार दे तो मेरे को मत कहना। हाँ हमारी कोई गारंटी नहीं। मेरे पिटने से अगर किसी का भला हो रहा है तो मैं तैयार हूँ। ये बंदा पिटा लगता है पहले वो करो तो सही, कैसे लड़के तंग करते हैं बताओ भी, और कैसे कर? अच्छा मैं वॉक करूं। अच्छा हेलो बेबी, आपकी आवाज इतनी चेंज क्यों हो
गई। कहा जा रहा मतलब अंदर से निकल रहा है बेबी। वो वाली बातें एक्चुअली इतनी फीलिंग से निकली जितनी ये बेबी रंजीत बन गए थे टाइम। नहीं करती करो 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 दोबारा। चलो मैं वाह कर। हेलो बेबी कहाँ चले? कहाँ चलना है बताओ। कभी कभी मैं लेके जाती हूँ बताओ। कभी कभी हम लोगों को भी समय दे दिया करो। चलो समय देती हूँ। क्या खाने? मुक्के खाने? लात खाने? चाउमीन खा लेते हैं फिलहाल तो। एक हाथ मारी खाएंगे ये लोग बता रही हूँ। वैसे कुछ नहीं हो रही है हाथ में। नहीं मैम आप मार सकते हैं, आपको हक है। अगर दे दे। आपके मारने से कोई सीख रहा है मारना तो सीख ले। नहीं मुझे लगता है कि आप आपसे कुछ छेड़ना सीख रहे हैं लोग। थैंक यू सागर। क्या करते हैं सागर आप? मैं एनजीओ में काम करता हूँ सर एक। अच्छा जी क्या? राष्ट्रीय योजना के लिए काम करता हूँ। अभी हम लोग आदिवासी बच्चों के लिए बिजोली में एक झांसी के पास पड़ता है तो वहाँ स्कूल बता रहे हैं। गॉड ब्लेस यू सागर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेदा। थैंक यू। आइए और कोई हमारे दोस्त। जी मैम। हेलो सर। हेलो मैम, मैं रुचि देशर उदयपुर से आई हूँ। मैम मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है, जब भी हम मेंस क्रिकेट देखते हैं तो वो लोग चौका या छक्का मारते हैं तो चीयर लीडर्स फीमेल डांस करती है, तो आप लोगों ने कभी ऐसा डिमांड नहीं किया कि आप लोग चौका या छक्का मारे तो मेल चीयर लीडर्स डांस कर रहे हैं? ये थॉट आया था हमारे मन में भी कि T20 जब खेल रहे तो क्यों मेल चीयर लीडर्स नहीं है, बट लेकिन आदमी अच्छे लगेंगे ऐसे ऐसे कुछ पहन कर। अभी चेक कर लेते हैं कोई है मेरा दोस्त जिसको चीयर गर्ल बन चीयर बॉय बनना है, कोई हमारा दोस्त? वो देखो लड़का तैयार है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए भाई साहब। एज ग्रुप के हमारे पास है चीयर बॉयज। आइए आप अपना अपना नाम बताइए पहले क्या है। हेलो सर मेरा नाम रोहित तिवारी है। रोहित तिवारी कहाँ से आए रोहित आप? सर मैं यूपी से हूँ। अच्छा जी क्या करते हो आप? सर वैसे तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अच्छा लिरिक्स लिखते हैं आप? यस सर। और आपका नाम क्या है? आप इतने डरे हूँ किसी का पर्स मार के आए आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरू कुमार है। वीरू कहाँ से आए आप? सर वैसे तो लुधियाना पंजाब से आया हूँ। वैसे तो लुधियाना से और ऐसे कहाँ से आए? सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। जिला से। मुंबई में कैसे फिर? मुंबई में सर एक्टर बनने का सपना है। वाओ अच्छा एक्टर बनने आए हैं। यूपी से बिलोंग करते हैं, काम करते हैं लुधियाना में और यहाँ पे एक्टर बनने आए हैं। फैमिली रहते हैं लुधियाना में। ओके ओके तो उनको क्या बोल के आए मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ? बोल के आए एक्टर बनना, इधर चीयर लीडर बन रहे हो। चलिए आपकी आप और हमारी शुभकामनाएं हैं, आप जो भी बनने आए ऊपर वाला आपको जरूर कामयाब करे। आप भाई साहब? मेरा नाम सुनील है। माथे पे आपने चांद बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा जी ये सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब क्या पर्सनालिटी है, क्या फुल स्लीव मूछें रखी इन्होंने। क्या नाम है सर आपका? सांवरिया सर। सांवरिया यार नाम बड़ा यूनिक है, मतलब हमने फिल्मों में सुना है सांवरिया। रोमांटिक नेम है ना, अच्छा लगा आपको, आप भी रख लो। ओ भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष गुप्ता है। अच्छा जी तो चलिए कैप्टन साहब हमारी जो हैं ये ऐसे ही एक्शन करेंगी सिक्स और आपने लग जाना काम पे, ठीक है? अच्छे तरीके से पूरा। अच्छा जो बेस्ट करेगा डांस अपने अपने स्टेप हैं आपके, उसको हम गिफ्ट भी दे सकते हैं, हमारा कोई पता नहीं है। गुप्ता जी का आपने सबने बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये ऐसे नाच रहे थे जैसे इन्होंने जो छक्का मारा ना वो बॉल इनके मुंह पे लगी आके। इतना आप क्यों सीरियस थे आप? हाँ। क्या चाहते हैं आप? आपको कौन से भाई साहब अच्छे लगे? गुप्ता जी। गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी छा गए। गुप्ता जी नंबर वन। राइट चॉइस। राइट चॉइस। थैंक यू सो मच। और तुम खुश रहा करो कोई बात नहीं। ए वापस दे दो ये किधर लेके जा रहे हो? हमें कहीं और कभी क्रिकेटर आए तो हम यूज करेंगे। सुनो इधर आओ खुश रहा करो। हाँ जी सर बात करनी है। अच्छा मुझे लगा बाथरूम जाना है। अच्छा दे 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 तो मेरा नाम रोहित चोपड़ा है और मैं दिल्ली से। चोपड़ा जी। अच्छा चोपड़ा जी आपके साथ नहीं आए? नहीं बताया नहीं उन्होंने। तो मैं कविताएं लिखता हूँ, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, तो मैंने आपके शो के लिए ये लिखा है कि पिछले साल कॉमेडी ना जाने कहीं खो गई थी। अच्छा जी। वीकेंड भी लगता था मंडे जैसा, कुछ ऐसी हालत हो गई थी।
लेकिन अब सोनी पर टीआरपी का बढ़ गया है फ्लो जब से लौटकर आया है द कपिल शर्मा शो। कपिल सर आपको सब याद करते हैं, आप यूं ही हंसाते रहे बस यही फरियाद करते हैं। शुक्रिया। दिल खुश हो जाता है आपको सोनी टीवी पर देखकर जब आप नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितने भी शेर बोलो ये कुर्सी नहीं मिलने वाली। पर थैंक यू सो मच। ये वी हैव सम इंटरनेशनल फैंस आल्सो। सर हाउ आर यू? लेट मी टेल यू माय इंग्लिश इज माइंड ब्लोइंग। वेयर आर यू फ्रॉम सर? यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क सिटी। यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क। खत्म हो गई मेरी। My English is finished. Oh, you're doing great. So you are here to enjoy? Yes. How? कैसे आए? I speak a little bit of Hindi. Okay, आपको हिंदी आती है? Yeah, like चार बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। So, I mean, you're working in Mumbai? I'm just visiting. Okay. So what do you do in US? I'm a writer. Writer. Oh, writer. Okay, do you like to have a show? Yeah, I hope you didn't understand even a single line. But I'm very happy. The United States people are watching our show live. I'm so proud of myself. Thank you. So, आज ये बेहतरीन वुमेन कैरेक्टर्स और आकाश सर हमारे साथ हैं। दो और भी खास मेहमान यहाँ पे हैं, तो मैं उनको आपसे मिलवाना चाहता हूँ। सो आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, ताशी और नुमशी। आइए ताशी नुमशी, वेलकम 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 वेलकम। कैसे हैं आप? तो इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। ताशी और नुमशी कुछ ऐसे कारनामे कर चुकी हैं जिनकी वजह से इनके नाम पे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं। मैं चाहता हूं कि ये खुद अपने रिकॉर्ड्स के बारे में और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी एक्चुअली मैं और मेरी बहन माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही हैं। और 2013 में 21 साल में हमने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और वो एक्चुअली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया। सो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम अपने पैशन को फुलफिल करने के दौर पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ले आए। एंड उसके बाद वो ही नहीं, आई थिंक हमारा जो मैसेज था वो बहुत बड़ा हो गया था। वी वांटेड टू इंस्पायर मोर गर्ल्स इन इंडिया, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि एक तरफ हम पहाड़ तो चढ़ रहे हैं जो हमारा फिजिकल माउंटेन है, लेकिन जो लड़कियाँ हमारे इंडिया में इनविजिबल माउंटेन्स चढ़ती हैं उनके लिए आगे, उनको बढ़ावा देने के लिए, फिर हम 2 साल में सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं पूरी 7 महाद्वीप की सारी ऊँची शिखर को फतेह किया और ख़ास तौर पर की करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अपने काम। सो प्राउड ऑफ यू ताशी नुमशी। अच्छा जब आपकी शादी होगी तो आप हनीमून पे कभी गोवा वगैरह जाएंगी या अपने हस्बैंड को कहेंगी वो पहाड़ रह गया उस पे चढ़ते? हाँ मैं तो यही कहा था, मैंने कहा मम्मी अगर कोई लड़का मुझे प्रपोज करे या कहे कि मुझे तुमसे शादी करना है, मैं कहूंगी केटू का रास्ता मालूम है, वो चढ़ के मुझे मेरे से बात करना। तो सोच समझ के आप अपनी शादी का प्रपोजल भेजना जी। पहाड़ चढ़ने पड़ सकते हैं आपको, पर यार बहुत बड़ी बात है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा। हमारे पास ताशी और नुमशी की कुछ तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं, प्लीज। नॉर्थ पोल साउथ पोल, वाओ, दुनिया के दो कोने बिल्कुल विपरीत दिशा में और दोनों जगह ये फतेह कर चुकी हैं और भारत का झंडा देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आज कितनी सारी प्राउड मोमेंट्स हैं हमारे शो पे। सो स्वीट ऑफ यू। वाओ, बिल्कुल एवरेस्ट के चोटी पर। ये माउंट एवरेस्ट पे है जी। उधर कोई खाने पीने की दुकान तो नहीं होती होगी? नहीं नहीं अभी फिलहाल तो वो एक अपना खाना साथ में लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल। और सर्दी भी इतनी। सर एक्चुअली मुझे ये कहने वाली थी कि हमने इतना पैसा खर्च क्यों किया ये पहाड़ जाने में, यहाँ पे हमें इतनी सर्दी लग रही थी, असल में पूरा आर्कटिक ही यहीं पे था, बहुत सर्दी लगी आज। नहीं वैसे वजन बहुत ज्यादा होता है, हम लोग 40 से 60 किलो लेके जाते हैं एक्सपेडिशन में, हमारा वजन ही वैसे 55-56 के रेंज में रहता है। और आर्कटिक और अंटार्कटिका में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में हमें लगभग 70 से 80 किलो वेट ड्रैग करके ले जाना पड़ रहा था। wow. तो हर चीज़ हमें वापस लाना पड़ता है, हमारा खाना तो भूल जाओ, लेकिन जो हमारा पी है सब कुछ है, हमें वो सब कैरी करना पड़ता है वापस, तो वज़न बहुत ज़्यादा होता है।
लेकिन इस पिक्चर में भी आप बता नहीं सकते कौन ताशी है कौन नुंशी है. एक्चुअली ऊपर से मास्क भी पहने हुए हैं, वो भी पहना हुआ है. रचना जी, आपको पता है आपके शहर देहरादून से. प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, माय गॉड, सैल्यूट. आपने हमारे इंडियन फ्लैग को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया. बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सो मच. तो आज इस मंच पे मिथाली, झूलन, वेदा और ताशी और नुंशी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये सब इस बात का प्रतीक है कि अगर लड़कियाँ चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकती. आप फ्यूचर में जितने भी पहाड़ चढ़ने वाली हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे मेहमानों के लिए. बस वेरी फास्ट, मैं बहुत जल्दी आपको बोलना चाह रही थी, कपिल जी आपने जो खुशियाँ लाई हैं लोगों की जिंदगी में, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. आपका जो हंसी मजाक है वो हमारे एक्सपेडिशन में बहुत काम आया है. सो स्वीट ऑफ यू. जब दुख में हो तो कपिल शर्मा को याद करो. नहीं, बाबू जी का टुल्लू, वो सब याद है. तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम महिला अचीवर्स के लिए. आकाश बाजी, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके. एंड आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे मैच खेलते रहिए, हमारे देश को प्राउड फील करवाते रहिए, हमें प्राउड फील करवाते रहिए. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. आइए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.